वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट एंड टफ राइवलरी जो होती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चाहे वो गैबा की जीत हो या वो एडिलेड की शर्मनाक हार जो इंडिया को फेस करनी पड़ी थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का रिव्यू, डिस्कस करेंगे स्क्वाड्स और प्लेइंग 11 जो प्रोबेबल होगा फॉर द फर्स्ट टेस्ट। ओनली ऑन आपका क्रिकेट। तो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा 9 से लेके 13 फेब के बीच नागपुर के मैदान में। सेकेंड टेस्ट खेला जाएगा 17 से लेके 21 फेब के बीच में दिल्ली के मैदान में। थर्ड टेस्ट खेला जाएगा 1 से लेके 5 मार्च के बीच धर्मशाला के मैदान में। और फोर्थ टेस्ट खेला जाएगा 9 से लेके 13 मार्च तक अहमदाबाद के मैदान में। तो दोस्तों, ये तो हो गया शेड्यूल की बात। अब बताते हैं कि इंडिया का क्या स्क्वाड रहेगा फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट। दोस्तों, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के बैट्समैन रहेंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली। श्रेयस अय्यर को मैंने लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अभी वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और सूर्य कुमार यादव। विकेट कीपर्स में केएस भरत और ईशान किशन रहेंगे। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल। और बॉलर्स में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट और कुलदीप यादव रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे जो फुल स्क्वाड रहेगा फॉर द होल टूर्नामेंट। तो दोस्तों, बैट्समैन में उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मैट रेनशॉ रहेंगे। विकेट कीपर्स में एलेक्स केरी और पीटर हैंड्सकॉम है। ऑलराउंडर्स में एस्टन एगार और कैमरन ग्रीन। बॉलर्स में पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलेंड, लैंस मॉरिस, नेथन लायन, टॉड मर्फी और मिचेल सबसन। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट का प्लेइंग 11 कैसा रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं ओपनर से। तो ओपनिंग में इंडिया के लिए रहेंगे रोहित शर्मा जो इंडिया के कप्तान हैं, और सेकेंड नंबर पे रहेंगे केएल राहुल जो वापसी कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेंगे उस्मान ख्वाजा एट नंबर 1 और डेविड वार्नर एट नंबर 2। उसके बाद हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन किसके पास रहेगी। तो थर्ड पोजीशन इंडिया के लिए रहेंगे चेतेश्वर पुजारा। फोर्थ पे रहेंगे विराट द रन मशीन कोहली। नंबर 5 पे रहेंगे शुभमन गिल, इंडिया के यंग सेंसेशन, वेरी टैलेंटेड। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पे रहेंगे वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन टेस्ट में मानस लबुशेन। फोर्थ पे रहेंगे स्टीव स्मिथ, और दोनों 4 के बीच में हम देखना चाहेंगे कौन सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और नंबर 5 पे रहेंगे ट्रेविस हेड, जिनका हाल ही में फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, बट वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा रहा है उनका फॉर्म, बट देखते हैं कि इंडिया में वो स्पिन को कैसे टैकल करते हैं। दो उनका बैकफुट का गेम काफ़ी अच्छा है, बट हम देखना चाहेंगे कि ट्रेविस हेड कैसे टैकल करते हैं इंडियन स्पिनर्स को इंडियन कंडीशंस में। आगे चलें तो 6, 7 और 8 के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 6 पे इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे केएस भरत। नंबर 7 पे आएंगे रविंद्र जडेजा जो भी वापसी कर रहे हैं इंडियन स्क्वाड में आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंजरी। नंबर 8 पे रहेंगे रविचंद्रन अश्विन जो काफ़ी सारे ट्रिक्स प्रिपेयर कर चुके होंगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए और उनको काफ़ी दिक्कत में डालने का ट्राई करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 6 पे उनके यंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन खेलेंगे जो शायद बॉलिंग नहीं करेंगे ड्यू टू इंजरी, बट बैटिंग के लिए ज़रूर ऑस्ट्रेलिया उनको खिलाना चाहेगी। नंबर 7 पे एलेक्स केरी रहेंगे जो उनके विकेट कीपर।
और नंबर 8 पे एस्ट्रनेगा रहेंगे जो थोड़ी लोअर ऑर्डर बैटिंग देंगे और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन देंगे और नेथन लाइन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पिन। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं पूरे जो प्रॉपर बॉलर्स रहेंगे। तो नंबर 9 पर कुलदीप यादव रहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अक्षर पटेल को क्यों नहीं डाला, लेकिन कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं और वो एक वैरायटी देंगे स्पिन में जो ऑस्ट्रेलिया के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं 9 पे कुलदीप यादव को रखूँगा। नंबर 10 पे आएंगे मोहम्मद शमी जो न्यू बॉल लेके काफ़ी अच्छी स्विंग कराते हैं और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को पेस के थ्रू और थोड़ा बहुत स्विंग के थ्रू दिक्कत दे सकते हैं। सेम 11 पे रहेंगे मोहम्मद सिराज। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 9 पर रहेंगे उनके कप्तान पैट कमिंस। नंबर 10 पे आएंगे नेथन लायन जिनका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्पिनिंग कंडीशंस है, नागपुर की पिच है, तो नेथन लायन जो काफ़ी दिग्गज बॉलर हैं आप जानते ही हैं, बहुत बढ़िया ऑफ स्पिन करते हैं। 11 पे रहेंगे स्कॉट बॉलर। तो ये था दोस्तों पोजिशन वाइज प्लेइंग 11। तो अब आप जैसे कि देखिएगा मेरे राइट पे हुए ये इंडिया की समराइज प्लेइंग 11 और मेरे लेफ्ट पे है ऑस्ट्रेलिया की समराइज प्लेइंग 11। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है और हम ईगरली वेट कर रहे हैं 9 फेब का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुए और हम बैठ के एक फियर्स राइवलरी देखें बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस कमेंट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए आपका क्रिकेट पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।